इससे पहले कि तुम लोग टाइटल पढ़ के मुझे गालियां दो, लेट मी शो यू ऑल माय सेटअप। कैमरा सेटअप से स्टार्ट करते हैं। दिस इज सोनी ZV-E10 जो मेरा प्राइमरी कैमरा है। ऑल्सो इसका नाम जिगरा है क्योंकि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। सो मैंने रिसेंटली अपने सारे फेवरेट गियर को नाम देना शुरू करा और ये तो बस शुरुआत है। ये मेरा सेकेंडरी कैमरा DJI Osmo Pocket है और सबसे पहला कैमरा मेरा यही था। दिस इज स्टिल अ बीस्ट ऑफ अ कैमरा, पर ये पुराना कैमरा हो गया और मार्केट में अभी अवेलेबल भी नहीं है, तो मैंने इसका नाम दादाजी रखा। इसके अलावा आई हैव DJI Ronin SC गिम्बल, 2 ट्राइपॉड्स, 1 इज फ्रॉम Digitech और इस वाले ट्राइपॉड का बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हाइट अच्छी है और इसकी खास बात यह है कि मैं इसमें टॉप डाउन शॉट भी ले सकता हूँ। ये ट्राइपॉड मुझे Digitech के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन में मिला था। दिस वन इज Amazon Basics ट्राइपॉड जो मैं पहले यूज करता था जब मैं फोन में शूट किया करता था। Osmo Pocket के साथ पेयर करने के लिए एक अच्छा ट्राइपॉड है। मेरे पास 4 टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स है। फर्स्ट वन इज दिस Boya BY-M1 लेवलियर माइक, ये मेरा सबसे पहला माइक्रोफोन था। उसके बाद आई अपग्रेडेड टू Zoom H1N। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल माइक्रोफोन्स जो कि मैं इनडोर आउटडोर हर जगह यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम दोगला रखा। दोगला नाम इसलिए भी रखा क्योंकि इसके टॉप पे 2 माइक्रोफोन्स हैं। जो तीसरा माइक्रोफोन है DAT का शॉटगन माइक्रोफोन है, तो ये वाला माइक्रोफोन मुझे एज अ गिफ्ट हैम्पर मिला था जब मैं रिसेंटली Amron के एक इवेंट में गया था, और वहीं पर मुझे ये छोटी सी पॉकेट लाइट भी मिली। ऑल्दो ये RGB नहीं है और इसको वार्म और कूल करने के लिए भी इसमें जेल पेपर्स दिए हुए हैं, बट दिस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी यूजेबल लाइट। तो ये है Sennheiser का प्रोफाइल स्ट्रीमिंग USB माइक्रोफोन जो कि मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन में मिला था। इसकी बेस्ट बात यह है कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं और ये USB Type-C से चल जाती है विदाउट एनी इंटरफेस। ये जब से आया मेरे स्टूडियो का करंट फेवरेट माइक्रोफोन बन गया है, हमेशा मेरे डेस्क पे लगा रहता है और इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया बोल बच्चन। हैं क्या मतलब गरीब लोगों का स्टूडियो नहीं होता, दुकान होती है। लाइटिंग में जो मेरे पास मेजर लाइट है वो Digitech की पैनल लाइट है। अभी तक मेरे पास सॉफ्ट बॉक्स नहीं है पर इसका जुगाड़ मैं जल्दी कर लूंगा। मेरे पास एक ट्यूब लाइट भी है जिसको मैं लाइट स्टैंड पर माउंट करके रखता हूँ इन क्लैंप्स की मदद से। मुझे जिस भी कलर के हाईलाइट्स ही होते हैं मैं उस कलर का सेलोफेन पेपर इस पर लगा लेता हूँ। वैसे जो ये वाला स्टैंड है ये प्रॉपर लाइट स्टैंड नहीं है, ये मेरे बैकड्रॉप सेटअप का पार्ट है जो कि मैं अभी यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरे ऑफिस में ब्लैक बैकड्रॉप के लिए ऑलरेडी मैंने चार्ट पेपर लगा रखे हैं पीछे। इसको सीलन से बचने के लिए सस्ते जुगाड़ के तौर पर मैंने चिपकाया था, पर अब सीलन इसके ऊपर भी आने लग गई है। एंड वी आर जस्ट गोना इग्नोर द फैक्ट कि मैंने ऊपर वाली पेस्टिंग कभी पूरी नहीं करी। अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो आई हैव 2 लैपटॉप्स। वन इज दिस Asus TUF F15। करेंटली ये मेरा प्राइमरी PC है और मेरे सारे एडिट इसी में होते हैं। इसके बिना मेरा सारा काम रुक जाएगा एंड दैट इज़ वाई मैंने इसका नाम रखा महाराज। और ये जो सेकंड लैपटॉप है HP ZBook 15 है। ये लैपटॉप नहीं है, एक मोबाइल वर्क स्टेशन है, पर ये कम से कम 10 साल पुराना है एंड दैट इज़ वाई इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये वाला लैपटॉप मुझे एक कज़न ने लाकर दिया था जिसको वो सेल में मिल गया था बहुत ही सस्ता, पर अब इसमें सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो सकता है। मेरे पास 2 स्टोरेज डिवाइस है। वन इज़ दिस हार्ड ड्राइव जिसका नाम मैंने Skynet रखा, और जो दूसरा है ये Samsung T7 SSD है और इसका नाम मैंने Ultron रखा। और मेरी ये प्रथा रहेगी कि मेरे स्टूडियो में कोई भी स्टोरेज डिवाइस आए तो उनको नाम मैं ऐसा दूँ जो कि एक प्रॉपर फिल्म में AI का नाम है। मेरे पास 2 हेडफोन्स हैं। वन इज़ दिस AKG स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन और ये इतना अच्छा क्वालिटी का है कि ये म्यूजिक प्रोडक्शन में यूज़ होता है। जो मेरा सेकंड हेडफोन है ये Sennheiser का SD300 Pro है। ये भी Sennheiser के साथ कोलैबोरेशन डील में आया था। बाकी मेरे पास 2 पेयर हैं, एक बेसिक माउस और कीबोर्ड के, एक वायरलेस और एक वायर्ड है। और ये है ग्राफिक टैबलेट जो मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन वाले दिनों में यूज़ किया करता था, पर फिलहाल मैं इसको कुछ यूज़ नहीं कर रहा। रिसेंटली ना मुझे स्टेशनरी कलेक्ट करने का बहुत शौक चढ़ा और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेता रहता हूँ। फाउंटेन पेन्स बकवास चीज़ है, बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, पर फिर भी चलाने में बहुत मज़ा आता है। और ये मैंने स्टिकी नोट्स खरीद रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे क्या काम करना है। और जब से मैंने स्टिकी नोट्स लगाने शुरू करे लिख लिख कर मुझे इतना मज़ा आने लग गया कि मैंने एक डायरी खरीद ली है। अब मैं कुछ भी प्लान करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ नोट्स बनाने होते हैं तो मैं इसमें करता हूँ। ये है मेरा पर्सनल फेवरेट, मेरा कार कलेक्शन। इसको मैंने पिछले साल से कलेक्ट करना शुरू करा था ये सोचकर कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ तब भी मैं खुद को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट तो दे नहीं सकता, तो मैं बस खुद को ये छोटी सी कार दिलाकर ही खुश हो जाता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, एज यू कैन सी मेरा पूरा स्टूडियो स्पोर्ट्स कार थीम्ड है। और एक स्पेशल चीज़, ये है मेरे प्यारे हरियाणा का नक्शा। ये पोस्टर मैंने इसलिए खरीदा था बिकॉज मैंने हरियाणा पर एक सीरीज प्लान करी थी पर मैं उसको कभी पूरा नहीं कर पाया, बट होपफुली एक दिन शायद वो हो ही जाए। ये कैमरा पैकेज इसे मैंने एक दोस्त से मारा था। ये मेरे पास 2 ND फिल्टर्स है 72mm के और इसको अपने कैमरा पर लगाने के लिए मैंने स्टेप अप रिंग ले रखी है। ये एक L माउंट है जिससे मैं गिम्बल पर रील फॉर्मेट को शूट कर सकता हूँ। दिस इज अ सुपर क्लैंप। ये इतना वर्सेटाइल है कि मैं इसकी मदद से अपने कैमरा को कहीं पे भी माउंट कर सकता हूँ। ये 2.5 लीटर की पानी की बॉटल है जो साइड पड़ी रहती है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे पानी पीते रहना। अरे हाँ, मुझे आप लोगों से एक पर्सनल बात करनी है। तो मैंने जब से कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लिया आप लोगों से बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि आप लोग मुझसे YouTube कमेंट्स और Instagram DM से पूछते हैं। मैं चाहता तो हूँ कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करूँ, पर अगर मैं एक एक कमेंट का रिस्पॉन्ड करने लग गया तो फिर मैं आगे का कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। एंड दैट इज़ वाई आई एम अवेलेबल ऑन फैन कॉल ऐप। इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं एक मिनिमल सी अमाउंट पे करके। मैं अपने और आपके दोनों के टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ, दैट इज़ वाई वी हैव लिमिटेड टाइम स्लॉट्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी सवाल है तो आप उन सबको पहले से लिख कर रख लें। तो फिलहाल मुझे रीच आउट करने का यही बेस्ट मेथड होगा और मैं भी आप लोगों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो साइन अप नाउ
अब आगे बढ़ते हैं। ये चेयर मेरी आज तक की सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है। हाँ, देखने में ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल प्रोफेशनल चेयर लगती है, लेकिन ये इतनी टट्टी चेयर है कि मैं क्या बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतनी कंफर्टेबल है नहीं जितनी ये दिखती है, प्लस इसका रिक्लाइन कुछ ज्यादा ही है, और मैं इसके बैकरेस्ट को जितना भी लॉक कर लूँ ये फिर भी पीछे ही गिरती रहती है। ये मेरे कमर को सपोर्ट तो क्या ही करेगी, मेरा काम करना मुश्किल कर देती है। मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी ऐसी चीजें लोकल मार्केट से मत खरीदना। और फिलहाल मैं अपनी पुरानी कुर्सी से ही काम चला रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं पार्ट टाइम गुंडागर्दी भी करता हूँ। ये एक हॉकी स्टिक है, ये एक बेसबॉल बैट है, और ये एक फेक गन है जो एक्चुअली एक लाइटर है। ये जो गुंडागर्दी का सामान है, वैसे मैंने म्यूजिक वीडियोस के लिए प्रॉप्स रखे हुए हैं। ये है एक चिड़िया जो मेरे को एक ब्रांड कोलैबोरेशन में मिली थी। ये एक डॉल है जो लोगों को ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस चाहिए होता है उनके लिए होती है। जब मैं ड्रॉइंग किया करता था मैंने तब मंगवाया था। ये है एक ग्लास बॉल लैम्प, जब ये जलता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलो मुझे एक रील शूट करनी है, मैं ज़रा शेव करके आता हूँ। अब शूट कर ही रहा था इतने में मेरे को एक और डिलीवरी आ गई, जिसके अंदर मेरे पास चार और प्रोडक्ट्स आए हैं। ये सब मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आए। लो, इतने में एक और प्रोडक्ट आ गया। दिस इज अ बैग फ्रॉम मेवी, और मजे की बात है कि ये बैग 27 प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके बना। ये छोटे से पाउच के अंदर स्काईविक के दो लेंसेस हैं। पहला वाला है वन ऑफ माय फेवरेट्स, एनामॉर्फिक लेंस। ये वाला लेंस एक वाइड लेंस है, और इसमें अगर हम ये अटैचमेंट हटा दें तो इट कैन टर्न इनटू अ मैक्रो लेंस। पर ये दोनों ही मोबाइल के लिए बने, और मोबाइल पे मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं करता। अभी तक पूरे सेटअप में यही कमी है कि मैंने कैमरा के साथ कोई भी लेंस इकट्ठे नहीं करे, वो भी मैं जल्दी करने वाला हूँ। अब आप में से कुछ लोगों के लिए गया गुजरा सेटअप है, और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये लोअर मिडिल क्लास यूट्यूबर का सेटअप थोड़ी है। तो मैं बता दूं, ये उस लड़के का सेटअप है जिसके पास एक ट्राईपॉड खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वो पेपर से ट्राईपॉड बनाया करता था। आज भी ये सब सेटअप जो तुम्हें दिख रहा है, इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन में आई है, और जो मेरा मेन कैमरा सेटअप है उनको मैंने 2-3 साल किश्तें भर भर के खरीदा। एंड इफ यू से कि मैं लकी था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहावत है ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। वैसे तो अपना पर्सनल स्पेस होना एक प्रिविलेज ही है, पर एक टाइम पर मैंने इसके लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करी है, और ये स्पेस मेरे पास तब तक ही है जब तक मैंने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर ये खाली पड़ा रहेगा तो इसको कोई और यूज कर लेगा, पर यू नो अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। मे बी मैं टेबल हटाकर यहाँ पर इक्विपमेंट के लिए शेल्फ बना लूँ, मे बी ये पुराना सोफा हटाकर सोफा कम बेड ले लूँ। धीरे धीरे करूंगा और छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा। कामयाबी की सीढ़ी है, कोई एक्सकेलेटर थोड़ी है कि एक कदम में सीधा अगली मंजिल पर पहुंचा देगी। बस खुद पर और खुद की मेहनत पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना, दिन तुम्हारा भी आएगा।